भाई एक तो आज ना बहुत दिनों बाद इस महाशय ने बनाया खाना, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये बनाया पुलाव। सुबह बड़े ताऊ ताऊ मार के बोला, आओ भाई तुम्हें कॉर्न वाले पुलाव खिलाता हूँ। और ये देख रहे हो कच्ची मक्का रह गई इसमें। इस भाई साहब से पूछो भाई, पहले उबाल नहीं सकता था तू इसे? भाई खराब मक्का है वो, खराब है। अबे खराब से क्या मतलब, उबाल के डाल। एक तो बाल लगना मानते नहीं है। चावल हमें खाने हैं, चावल लेने हैं, और ये जो कॉर्न कॉर्न को छांटना है इसमें से, फिर हम खा पाएंगे इसको। से आप सब लोग, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे क्या बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो मैं आपको 5 ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप आयरलैंड में आते ही सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन की 2 होंगी और 3 होंगी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी बहुत दिक्कतें आती हैं जब स्टूडेंट नया नया आता है। हमें भी बहुत आई थी, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो शायद आपके काम आ जाएं। आप बाद में मुझे थैंक यू बोल देना कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे बोल देना। तो अपना यही काम है जो अपने ने फेस करा है, आप लोग ना करो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँ। उससे पहले भाई जो लोग मुझे नहीं जानते, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको बता देता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट सेप्टेम्बर में आया था डिजिटल मार्केटिंग करने। अभी मेरी थीसिस चल रही है, लास्ट सेम चल रहा है, और छोटी मोटी वीडियो बना लेता हूँ मैं आप, ठीक है, आप लोगों के लिए। बट व्यू मेरे पास आ रहे हैं लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि भाई 74 लोगों ने मेरा 74% लोगों ने मेरे भी कितने 2,714 से लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई कर दो यार, थोड़ा बूस्ट मेरे को मिल जाएगा, थोड़ा मज़ा आ जाएगा मेरे को भी। चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहली टिप जो है मेरी वो है लीपकार्ट, ठीक है। लीपकार्ट कैसा होता है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये होता है लीपकार्ट ऐसा, ठीक है, ये जो फोटो, और हाँ इसमें एक आपको चीज़ बता दूँ, ये जो फोटो होती है आपकी लीपकार्ट में, ये वाली, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब भी आप लीपकार्ट अप्लाई करोगे, वेबसाइट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल सीधी फेस करी हुई होनी चाहिए और पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा, ठीक है। मैंने तो अपने कैमरा से निकाली थी, बट मैंने अभी फेस करा था इशू, मेरी जो फोटो थी मैंने उससे पहले थोड़ा गॉगल्स वगैरह पहन रखे, थोड़ा साइड में लुक था स्टाइल दिखाने के लिए, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। तो आपका जो फेस है वो सामने रहे और पीछे अगर वाइट बैकग्राउंड है कुछ भी है, आप सिंपल कैमरे से सेल्फी ले रहे हो वो भी चल जाएगी। तो लीपकार्ट के बेनिफिट यहाँ पे क्या है, लीपकार्ट का बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो, एक तो कैपिंग होती है लीपकार्ट के अंदर, वो सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। कैपिंग होती है तो आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है, जो आपका जो राइटिंग कॉस्ट है, मतलब जो बोलते हैं पहले यहाँ पे 20 यूरो थे, मेरे को नए चार्ज इतने पता नहीं है, तो आप उस कैपिंग से कभी बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आपके पास लीप कार्ड नहीं है तो आपको हमेशा अपने साथ कॉइन कैरी करना पड़ेगा। लूएस के लिए आपको कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्रेडिट कार्ड, या क्योंकि आते ही तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवाओगे, तो आपके पास इंडिया से क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। मे बी लूएस में चलते हैं नोट, मतलब पैसे वाले नोट वो चलते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों का आपके पास अगर बस के लिए हमेशा कैश कैरी करना चाहिए कॉइन की फॉर्म में, क्योंकि बस में कॉइन ही लगता है, और जो आपका लूएस है उसमें आपके सिर्फ नोट लगते हैं या शायद कार्ड से भी रिचार्ज होता है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये तो होगी लीपकार्ट के फायदे की बात। अब सेकंड पॉइंट में क्या बात करने वाला था कि यहाँ पे फेयर कितना है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट फेयर की बात करूँ तो मोस्टली जो स्टूडेंट है वो भाई यूज़ करते हैं बसेस। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है बसेस का, वो चल रहा है क्या, 1 यूरो आपका हमेशा लगेगा टैप करने में जब भी आप फर्स्ट बस लोगे। और मैं रहता हूँ यहाँ ब्लिन 2 में, अब मेरे को जाना सिटी सेंटर, मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर जाऊँगा तो मेरे को बस 1 लगेगी, ठीक है, और मैं अपना कार्ड टैप करूँगा तो मेरा 1 यूरो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 90 मिनट के अंदर वापस आ रहा हूँ तो मेरा कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे मैं 2 बस बदल लूँ चाहे 3 बदल लूँ। तो ये फ़ायदा, और ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, मतलब 1 यूरो आपका 90 मिनट में लगेगा अगर आप एक बस से जा रहे हो। और वहीं बात करें लूएस की, तो लूएस का मैं कंफर्म नहीं हूँ, मे बी 1.30 है या 1.70 है, तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पे मैं इतना ट्रैवल नहीं करता लूएस से, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बस से मैं अभी करने लगा हूँ जब से मेरी फील्ड जॉब लगी है। वीडियो नहीं देखी तो देख लो, आई बटन पे आ रही होगी इधर या इधर, पता नहीं चाबी आ रही होगी, तो वीडियो देख लो जाके। और यहाँ पे जो कैपिंग है, कैपिंग नहीं, मुझे कैपिंग नहीं पता, मे बी अब भी 20 यूरो है या दिन का 5 यूरो, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जो नया रूल आया 90 मिनट वाला, तो आपके यार 2-3 यूरो से ज़्यादा लगते ही नहीं है पहली बार, जितना मैंने रियलाइज़ करा। बाकी आपका 2-3 बस भी बदलोगे 90 मिनट के अंदर ही बदलोगे यार, इतना बड़ा तो है नहीं डब्लिन, क्योंकि 2-3 घंटे में तो आप एक इस देश के एक कोने से दूसरे कोने चले जाओगे। तो आपका जो सिर्फ पैसा लगना, दिन में 2 यूरो ही लगेगा अगर आप सिंगल बस ही बदल लो या 2 बस ही बदल लो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप बस से जा रहे हो। तो लीपकार्ट क्यों इंपॉर्टेंस है मेरे को पता, मैं अपनी गलती बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था मैंने लीपकार्ट 1.5 महीना नहीं बनवाया था, क्योंकि मेरा जो घर था वो डब्लिन सिटी सेंटर में है, मेरी जॉब थी ग्रैफ्टन स्ट्रीट पे थी, तो मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं मयंक यहाँ गया था, वो भी व्लॉग पड़ा है बॉल ब्रिगन वाला, वो भी देख लो जाके, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे उस दिन
€11.5 या €10 लगे थे मेरे बॉल ब्रिगन से और यहाँ तक आने में, क्योंकि पहला लगा मेरा बस में, बस में फिक्स था, आपको €2 या कुछ देने पड़ते थे, कॉइन कॉइन के फॉर्म में कॉइन डालने पड़ते थे, और ज़्यादा चले जाएंगे तो वापस नहीं मिलेंगे आपको। तो मैंने पहले बस में दिए, फिर ट्रेन में दिए, फिर उधर से जब आया फिर बस में दिए, फिर ट्रेन में दिए, और मोहित ने जो मोहित मेरे साथ किया था उसके सिर्फ €5 ही लगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद लीप कार्ड, तो इसलिए लीप कार्ड बहुत जरूरी है। मैं आपको कॉस्ट भी बता चुका, फायदे भी बता चुका। तीसरे पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐप आपको फायदेमंद होंगी यहाँ पे जब भी आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो कुछ समझ नहीं आता यार सही में कि यार कैसे बस लेनी है, क्या होना है। अब मैं देखो आज बाहर जाने वाला था, मेरा आलस की वजह से मैं बाहर नहीं गया, इसलिए रूम पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझ नहीं आता स्टार्टिंग में कि आपको कैसे बस लेनी है, कैसे आपको सब कुछ डील करना है, मतलब ठीक है कैसे हैंडल करना है। तो जो पहली ऐप है, ऐप कह लो या वेबसाइट कह लो, सबसे बड़ी तो देखो गूगल है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको खोलना है गूगल मैप्स। जैसे मैं रहता हूँ सिटी सेंटर के, तो मैंने मतलब मैंने अपनी लोकेशन, योर लोकेशन, आपको जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वो डाल देनी, क्योंकि आपको एरिया का नाम नहीं पता है। उसके बाद अगर आपको सिटी सेंटर आना है तो सिटी सेंटर के लिए भाई आपको डालना होगा स्पायर ऑफ डबलिन, ये सिटी सेंटर है, यहाँ पे मोस्टली सारी बसेज आती हैं, तो डोंट वरी, कहीं भी हो आप, किसी भी कोने हो डबलिन के, आप स्पायर ऑफ डबलिन डाल देना, आपके पास रूट आ जाएगा। तो आपको करना है भाई दूसरे वाले नंबर वाले पे क्लिक, तो इसमें आता है बस का और ट्रेन का रूट। अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है मेरे यहाँ से कौन कौन सी बसेज जाती हैं, ये जो येल्लो में आ रहा है ये हैं बसेज, तो मेरे यहाँ से जाती है 11:46 से 38:38 145 155, ठीक है, मेरे यहाँ से इतनी सारी बसेज जाती हैं डबलिन स्पायर, मतलब सिटी सेंटर। हो सकता है आपके यहाँ सिर्फ एक या दो बस जाए अगर आप डबलिन से दूर रहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, टाइमिंग, इनकी टाइमिंग क्या, तो किसी भी बस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं सबसे ऊपर वाली पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले देखो मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिटरली ये सब समझने नहीं आता था, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। ये मैं सोच रहा कि भाई क्या वीडियो लंबी खींच रहा है, ठीक है, बहुत मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है इसलिए, ठीक है। तो ये बता रहा है मेरे को कि 3 मिनट वॉक करके 200 मीटर जाना वहाँ पे एम्बेसी ऑफ माल्टा, ये स्टॉप का नाम है, ठीक है, और या तो फिर यहाँ पे स्टॉप के नंबर भी होते हैं, ठीक है, इस पे स्टॉप का नंबर दिखा नहीं रहा है एम्बेसी ऑफ माल्टा पे, लेकिन यहाँ पे उतरने वाला स्टॉप दिखा रहा है 281, ठीक है, ये आपको नोट करनी है, ठीक है। तो आप किसी भी अपने आसपास पूछ लो कि भाई ये फलाना स्टॉप कहाँ पे है ताकि मैं चला जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे बस की टाइमिंग कैसे आपको पता लगेगी, बस की टाइमिंग आपको देखो दिखा रहा है डिपार्टेड 642, मतलब 642 पे निकल चुकी है। अब अगली बस आपको देखने तो आपको जाना पड़ेगा ऑल्सो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरे दिन की टाइमिंग आ जाएगी कि किस किस टाइम आपकी बसेस आती हैं, तो इस हिसाब से आप अपना पूरा ये प्लान कर सकते हैं, ये गूगल मैप्स की मदद से। चलो अब बात करते हैं भाई अकोमोडेशन की, चौथा पॉइंट अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन आपको कैसे ढूंढनी है ये तो आपको बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो मेन वेबसाइट हैं, daft.ie rent.ie, ठीक है, ये दो वेबसाइट हैं, बट यहाँ से 90% चांस है कि आपको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी बहुत कम लिस्टेड है इस टाइम, ज़्यादातर यहाँ पे जो लेटिंग्स हैं, और मतलब मेरे को नाम नहीं पता, 2-3 के नाम पता है, वो आपसे स्टार्टिंग में ही आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव अ वैलिड जॉब और समथिंग, ठीक है, आप कुछ प्रूफ कर सकते हो कि मतलब आपके पास फंड है, या मतलब कि आप यहाँ का रेंट भर सकते हो, मोस्टली जो आपके पास मैसेज आते हैं आपका रेफरेंस मांगते हैं, तो इस केस में हो सकता है आपके पास रिप्लाई ना आए, स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं करते हैं वो, और इसकी एक स्क्रिप्ट होती है, अगर जिसको भी स्क्रिप्ट चाहिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा कि क्या किस तरीके से आपको मैसेज करने हैं उनको, मतलब जो एक उसमें कमेंट का ऑप्शन होता है, जिन्होंने भी rent.ie या daft.ie चलाई होगी वहाँ पे कमेंट या मैसेज का ऑप्शन होता है, वो हमें एक स्क्रिप्ट भेजनी पड़ती है उनको, हमें रूम चाहिए, तो वो स्क्रिप्ट के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पे भेज दूंगा। फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी अभी कभार कंपनी लिस्टेड, वो कंपनी कह रहा हूँ फ्लैट लिस्टेड करते हैं, बट भाई वहाँ पे स्कैम से बच के रहना। अगर कोई इंडियन या कोई एशियन बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा, जो रूम लिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हो भाई, गोरों पर भरोसा मत करना, गोरे मतलब मेरा जो भी बाहर का बंदा होगा उस पर भरोसा नहीं करना आपको, क्योंकि मोस्टली केस में भाई ये स्कैम होते हैं, वो प्रॉपर्टी इतने चीप रेट में डालते हैं। पहली बात तो भाई अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिख रही है डब्लिन वन में कि 350 यूरो में, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है वो फेक है, तो इन चीज़ों से बच के रहनी है आपको। फेसबुक मार्केट प्लेस के अलावा फेसबुक पे ग्रुप है मेरे ख्याल से अकोमोडेशन इन आयरलैंड करके या इंडियंस इन आयरलैंड करके, ये ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं मेरे ख्याल से, तो आप वहाँ पे कंटिन्यूस सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग डाल सकते हैं अपने कि भाई मेरे को रूम चाहिए, मैं सिंगल बंदा हूँ, मेरे को ये चाहिए, मैं जो भी है फलांडे का ना, मेरा रेंट इतना है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली लोग क्या करते हैं टेम्प्रेरी अकोमोडेशन डालते रहते हैं। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ स्टार्टिंग में आके जो मिल रहा है वो ले लो, 1 महीने के लिए मिल रहा है 1 महीने के लिए लो, लेकिन कुछ होना चाहिए आपके पास रहने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है, टेम्प्ररी मिल रहा है लो, और वो 1 महीना यूटिलाइज करो अपना अकोमोडेशन ढूंढने में और पार्ट टाइम ढूंढने में। एक बार आपके पास ये दोनों चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपकी जिंदगी यहाँ पे स्वर्ग है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी सारे हैं,
मेरा भी है व्हाट्सएप ग्रुप बट वो फुल हो चुका है, तो वहाँ पे अब कोई नए लोग नहीं आ सकते हैं। बट मे भी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, बट वहाँ पे लोग आप लोग कितना वोट डिस्कस करते हो, मोहित के पास है वो चैनल, मेरे पास नहीं है, तो मोहित संभालता है उसको, तो मैं उससे पूछ लूंगा एक बार अगर वहाँ पे एक्टिविटी होती है ये रूम रेंट को वगैरह लेके, तो आप मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी और लोगों के भी ग्रुप हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको रेफर मिलता रहेगा। बाकी स्टूडेंट अकोमोडेशन है, मे बी वो तो फुल हो गई होंगी इस टाइम, तो क्वेरी डालना बेकार ही है। और बाकी काफी लोग पूछते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट वगैरह का नंबर दे दो, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब पांचवी चीज, टिप क्या है इसमें, तो भाई मैं टिप इसमें यही दूंगा कि एक तो मैं बता चुका हूँ, आपको टेम्प्रेरी मिले टेम्प्रेरी ले लो, और आपको जो भी मिल रहा है ले लो स्टार्टिंग में। आप ये मत देखो कि आपको ग्रिफिथ के, आपका कॉलेज तो ग्रिफिथ के आसपास चाहिए, या आपका डीबीएस तो डीबीएस के आसपास, एनसीआई तो एनसीआई के आसपास, ट्रिनिटी है तो ट्रिनिटी, भाई मत देखो ये जहाँ मिल रहा है, डब्लिन 24 में मिल रहा है, डब्लिन 24 में ले लो, 16 में मिल रहा है 16 में ले लो, हर जगह से कनेक्टिविटी सही है। आपको कॉलेज नहीं आना होगा ज़्यादा, पता नहीं इस टाइम के सिनेरियो क्या चल रहा है, बट अभी आप स्टार्टिंग में कॉलेज नहीं आओगे तो जो जहाँ मिल रहा है, क्योंकि डब्लिन से जितना दूर ढूंढोगे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको फ्लैट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर आप ड्राफ्ट और रेंट पे भेजोगे तो वो सिंगल बंदे को एंटरटेन करेंगे नहीं पहली बार। तो आप जब भी आ रहे हो तो ये जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप वगैरह, वहाँ पे ना अपना ग्रुप बना लो 5-6 बंदों का। हो सकता है सिंगल बंदों के लिए हमेशा फेसबुक पे मिलेंगे आपको फ्लैट या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, बट अगर आप ग्रुप में हो 5-6, तब आपके लिए ड्राफ्ट और रेंट अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप पूरा फ्लैट हायर कर सकते हो, मतलब फ्लैट रेंट पे ले सकते हो, हायर बोल रहा हूँ, पूरा अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हो। तो मेरी आपको एडवाइस है डब्लिन 24 और सोर्ड हो गया, जितने भी दूर के इलाके हैं यहाँ से डब्लिन से, देखो डब्लिन बन के आसपास भी देखो, लेकिन दूर के इलाकों में ज़्यादा क्वेरी डालो, वहाँ पे चांस है आपका मिल जाएगा। अगर आप 6 लोग हो, 3 बेडरूम का वहाँ पे फिल्टर लगाओ, 2-3 का, आपके पास 500 रेंट पड़ेगा, 3000 की प्रॉपर्टी आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि वो 3000 वाली प्रॉपर्टी हर कोई नहीं लेता। लेकिन अब इसमें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके 5 या 6 लोगों की, आप ग्रुप बनाओ, सबको नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है बीच में किसी को मिल जाए भाई वो चला जाएगा। तो आपके पास 6ठा बंदा रेडी होना चाहिए, आपके पास डिपॉजिट रेडी होना चाहिए, जब आपको फ्लैट मिल जाएगा तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा 6 बंदों का, मतलब 6 बंदों का नहीं, 3000 रुपये और 3000 यूरो प्लस 3000 यूरो जो आपका स्टार्टिंग में आपका रेंट जाएगा। तो आपके पास 6 बंदे तो मिनिमम होने चाहिए। अब इस केस में हो सकता है कि वो बंदा आपको अलाउ ना करे कि भाई 6 बंदे मैं नहीं रहने दूंगा, तो अपना एक बजट सेट करके चलो, ग्रुप बनाओ अपने 5 या 6 लोगों के, 4 लोगों के, उस हिसाब से आप ड्राफ्ट और रेंट पे ढूंढो। अगर आप अकेले के लिए ढूंढने जाओगे आपको एंटरटेन नहीं करेगा कोई, तो मैसेज की स्क्रिप्ट मैं दे दूंगा आपको, आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरे को भी इतनी पता नहीं, लेकिन वो आप, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैसे यहाँ डील करना है, तो वो आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो उसकी, थोड़ा अपना मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये मेरी टिप थी एंड में कि फ्लैट ढूंढना है तो भाई ग्रुप बना लो अपने, तब आसानी है, रेफरेंस बना लो, हाँ ये रह गया। और बाकी लास्ट थिंग क्या है कि भाई जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज अटेंड करो, आपके पास टेम्प्रेरी, आप एयरबीएनबी में रुक रहे हो उस टाइम, हो सकता है आपके दोस्त बनना चालू हो गए हो, तो भाई शर्माओ मत, ठीक है, साफ बोलो भाई मेरे पास रूम नहीं है, अगर आप कुछ कर सकते हो आपके फ्लैट में या अपने ओनर से बात कर सकते हो तो आप करवाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भैया फ्लैट ढूंढ दो, ये ढूंढो, भाई देखो बहुत मुश्किल, किसी को भी बोलोगे ना पूरे यूट्यूब पे आपको, भाई अपार्टमेंट में आपकी हेल्प हम नहीं कर सकते, क्या भाई देखो हम, मेरी 5 दिन, मतलब मेरी 5 दिन नौकरी रहती है, सैटरडे संडे में कभी कभार काम कर लेता हूँ, तो दिक्कत यही आती है सबसे बड़ी कि हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता ही होगा भाई, मैं 4-5 घंटे बाद भी रिप्लाई करता हूँ, कभी 24 घंटे आते हैं मेरे को रिप्लाई करते रहते, तो 5 दिन तो हमारे पास टाइम नहीं होता। और फ्लैट अपार्टमेंट मैं अपने लिए खुद के लिए नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो भाई मैं आप लोगों के लिए नहीं ढूंढ सकता, उस बात के लिए सॉरी, बुरा ना माने, ये रियलिटी है यहाँ की। मैं रियलिटी बताऊँगा आपको, आपकी हेल्प सिर्फ वही करेगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखो मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं जानता, या कोई और यूट्यूबर होगा वो नहीं जानता, तो भाई ये रियलिटी है, फैक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रूड हूँ या नहीं, लेकिन ये रियलिटी है भाई। देखो मैं जो ये रियलिटी है, क्योंकि भाई देखो मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता कि भाई मैं यहाँ से आ रहा हूँ या मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मेरे आप अपार्टमेंट ढूंढ, भाई देखो मेरे लिए प्रायोरिटी ना मेरा काम है इस टाइम, मेरी जॉब है, मेरे को जॉब ढूंढनी है, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी वो है, वीडियो बनानी है मुझे आपके लिए, ठीक है। तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन भाई मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, सब आपके लिए यहाँ पे अननोन है, बट आपको आपके दोस्त ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे आके अपना ग्रुप बनाओ, अपना जितना भी नेटवर्क है वो बनाओ, तब जाके आपको हो सकता है मे बी अच्छा फ्लैट या अपार्टमेंट मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, क्योंकि भाई झूठ बोलना अपने को नहीं आता, तो जो भी दिल में था बता दिया मैंने आपको, काफ़ी लोग मेरे से ही पूछते इसलिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।